हेमा मालिनी और प्रसून जोशी बने फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021। राजस्थान में 2 से 3 दिन में हो सकता है कैबिनेट विस्तार। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 372 अंक गिरा, निफ्टी 134 पॉइंट फिसला। खंडवा के आबकारी अधिकारी का आदेश, जिन्हें कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगी उन्हें ही मिलेगी शराब। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बोले, राजधानी में प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी 35 से 40%। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। कलियर में वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का मुस्लिम समाज के लोगों ने पुतला दहन किया। वहीं मौसम अली ने कहा कि कुछ दिनों पहले वसीम रिजवी ने हरिद्वार प्रेस क्लब में एक विवादित पुस्तक का आयोजन किया और भड़काऊ भाषण के साथ मोहम्मद शाह के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल भी किया गया था, जिस वजह से मुस्लिम समाज के लोगों में भारी रोष है। और आज मुस्लिम समाज के लोगों ने पिरान कलियर में पीपल चौक पर वसीम रिजवी का पुतला दहन कर थाना पिरान कलियर में ज्ञापन सौंपा है। वसीम रिजवी का जो ये शैतान है, आज हमने इसका इसलिए यहाँ पिरान कलियर शरीफ में पुतला दहन किया है। ये वसीम रिजवी नाम का शैतान 5 दिन पहले हरिद्वार में आया था। हरिद्वार में आकर इसने हमारे नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में बहुत गलत शब्द कहे, जिससे हम मुस्लिम समाज के लोगों में भारी रोष है। इस हरामखोर का पुतला हमने इसलिए दहन किया है कि हमने अपने भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से और अपने हिंदुस्तान के भारत के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी से हाथ जोड़कर विनती की है कि ऐसे शैतान जो दूसरे के मजहब को, जो दूसरों के नबी का अपमान करे, दूसरों के संतों का अपमान करे, उनको सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए। रुड़की के इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों के बकाया गन्ना भुगतान को लेकर कांग्रेस के द्वारा गन्ना मार्च पद यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाग लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण और कांग्रेस के छोटे बड़े कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि ये सरकार किसान विरोधी है। हर जगह गन्ना खरीद मूल्य घोषित हो चुका है और उत्तराखंड में हम इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, परंतु उत्तराखंड में गन्ना खरीद मूल्य घोषित नहीं किया गया है। लोगों को मजबूर होकर सड़कों पर आना पड़ रहा है। कलियर के विधानसभा ज्वालापुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मेरा बूथ मेरा गौरव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ज्वालापुर विधानसभा में भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए ट्रेनिंग दी गई और शिविर में आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आगामी चुनाव 2022 को लेकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। वरिष्ठ कांग्रेसी सह प्रभारी दीपिका पांडे ने मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के विषय पर कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी, जिसमें कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर बूथ स्तर पर कैसे काम करना है इसी पर बात की गई। जो प्रोग्राम था ये बेसिकली बूथ लेवल वर्कर्स जो हमारे हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए था। मेनली जो बीएलए होता है ना, बीएलए बूथ लेवल एजेंट, उनका क्या रोल है, उनको कितनी पावर्स हैं, क्या क्या वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं डिपार्टमेंट से, ये सब जानकारी उनको मिली। इसके बाद जो है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से हमें वोटिंग करना है, कहाँ इलेक्शन से पहले, डिक्लेयर होने से पहले क्या क्या कर सकते हैं, इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद क्या जो अधिसूचना जारी हो जाती है उसके बाद क्या क्या काम करना है, वोटर लिस्ट में करेक्शन कैसे किया जाता है, वोट कैसे बनवानी है, वोट में करेक्शन कैसे करना, नाम में करेक्शन कैसे करना, इस प्रकार की सारी चीज़ें थी, इनमें ट्रेनिंग था, इन चीज़ों के लिए ट्रेनिंग दी गई है। देखिए, कार्यक्रम तो ये आज कांग्रेस पार्टी का पूरे प्रदेश में चल रहा है और AICC का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम किया है। ये कार्यक्रम मेरा बूथ और जो है मेरा गौरव का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के तहत हम अपने जितने भी बूथ के कार्यकर्ता हैं, बीएलए लेवल के हमारे पदाधिकारी हैं,
उनको सबको परीक्षण देने का कार्य कर रहे हैं कि कैसे इन निकम्मे नकारा बीजेपी के लोगों से, इस सरकार से हमें अपने आप को बचाना है, अपने लोगों को जो है ये झूठ बोलते हैं उनसे बचाना है, इस तहत ये कार्यक्रम किया है। ये पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है। आज सिरे वाइज ज्वालापुर का नंबर आया था तो ज्वालापुर में भी हर बूथ से हमने एक दो दो आदमी बुलाने का कार्य किया है और निश्चित ही यहाँ से आज जितने भी हमारे कार्यकर्ता गए हैं वो परीक्षित पूरा ट्रेनिंग लेके गए हैं और वो आगे कांग्रेस की रीति नीति का। उत्तराखंड के देहरादून में बन रहे सैन्य धाम के उपलक्ष्य में विकास नगर ब्लॉक परिसर से कालसी तहसील तक विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों ने एक सम्मान यात्रा निकाली गई। सैनिक सम्मान यात्रा को संबोधित करते हुए विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा, उत्तराखंड एक सैनिक बहुल क्षेत्र है जिसे सैनिक धाम के नाम से भी पुकारा जाता है। सैनिकों को सम्मान देने के लिए देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सैनिक सम्मान यात्रा का शुभारंभ कर चुके हैं। ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से सैनिकों का सम्मान, देश का सम्मान, तो पूरे देश में ये एक अभियान है और उत्तराखंड में जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा भी तो उत्तराखंड में पांचवा धाम सैन्य धाम, उन्होंने उत्तराखंड को वीर भूमि, सैन्य भूमि जैसा है तो इसलिए उन्होंने कहा ये पांचवा धाम भी है, वो सैन्य धाम है। तो इस प्रकार से सैन्य धाम का एक निर्माण हो रहा है और जो सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है उसमें उत्तराखंड के कोने कोने से जो शहीद हैं जिन्होंने देश की हिफाजत के लिए सेना में रह करके अपना बलिदान दिया, उन सब के घरों से उस पवित्र माटी को, मिट्टी को कलश में कलेक्ट करके और ये सारी मिट्टी उस सैन्य धाम में जाएगी और जो सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है वो युगों युगों तक इस देश की पीढ़ियों को इस बात के लिए प्रेरित करता रहेगा। जैसा भी कहा जाता है, शहीदों के चिता पे लगेंगे मेले हर बरस, वतन पे मिटने वालों का बाकी निशान होगा। सरकार की तरफ से जो ये शहीद सैनिकों की सम्मान यात्रा है, उन्होंने जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है उसके लिए उत्तराखंड सरकार ने जो निर्णय लिया है कि 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक पूरे उत्तराखंड में शहीद सैनिक यात्रा जो चलाई जाएगी, लोगों के घर घर में जा कर के उनके घर आंगन की, शहीदों के घर आंगन की मिट्टी लाई जाएगी और वो कलश में जो एकत्रित करके उस कलश का जो 7 तारीख जो 7 आखिरी पड़ाव है इस यात्रा का, उसको गुनियाल गांव में स्थापित किया जाएगा, उसमें जो शुभारंभ किया जाएगा और हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व में के लोग जो है वहाँ पर आएँ और आप सब लोगों को, क्योंकि ये जो हमारा सैन्य बाहुल्य प्रदेश है, पूरे प्रदेश में यहाँ पे जो है कई विक्टोरिया क्रॉस हैं, कई परमवीर चक्र हैं, कई महावीर चक्र हैं, कई वीरता या वीर चक्र हैं। चंपावत में पुलिस विभाग की ओर से 20वीं अंतर जनपदीय कुश्ती का आयोजन किया गया। आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में कई लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया। इसी क्रम में रविंद्र कुमार पहलवान ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि कुश्ती के दौरान पैर में चोट लगने के कारण रविंद्र कुमार प्रथम स्थान प्राप्त करने से चूक गए, जिसमें उन्हें दूसरे स्थान पर ही संतुष्ट रहना पड़ा। वही कुश्ती में बेहतरीन प्रदर्शन के चलते रविंद्र कुमार पहलवान को सिल्वर मेडल और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। सहायक आयुक्त राज्य कर के पांडे ने मसूरी के होटलियर्स के साथ बैठक की और राज्य कर के बारे में विस्तार से जानकारी दी, विभाग की कार्यकारिणी से अवगत कराया। वहीं कहा कि सभी लोग समय से कर और जीएसटी अपडेट अदा करें ताकि बाद में होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। लाइब्रेरी स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित बैठक में सहायक आयुक्त के पांडे ने कहा कि करदाताओं की समस्याओं का समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि जीएसटी को लेकर अब कोई समस्या नहीं है। आज हम लोगों ने होटल
एसोसिएशन के सभी अधिकारियों को इकट्ठा, जो भी एसोसिएशन के लोग हैं उनको इकट्ठा किया था और उनको ये बताया गया कि आप समय से जीएसटी अदा करें, जीएसटीआर टाइमली आप लोग अपडेट करें और नियमानुसार आप एक्शन करें जिससे कि स्टेट के इंटरेस्ट में सब कुछ अच्छा हो, बेहतर हो। मैं तो यहाँ पर एक अधिवक्ता के रूप में यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पर जो स्टेट टैक्स ऑफिस है, यहाँ पर जो अभी असिस्टेंट कमिश्नर के पांडे साहब, अभी दो ढाई महीने पहले जिन्होंने यहाँ पर चार्ज लिया, उनका ये विचार था कि जिस तरह से अब आगे जीएसटी में कई चीज़ों का इन्फोर्समेंट होने वाला है, स्क्रूटनी होने वाली है, तो उनका ये विचार था कि पहले कोई एक्शन लेने से पहले हम पहले होटलियर से और उसी तरह से आने वाले दिनों में ट्रेडर से बातचीत कर लें, उनको कोई समस्या है या उनकी जानकारी किसी चीज़ की नहीं है तो उनको जानकारी दी जाए, ताकि वो जो जो चीज़ें कर रहे हैं उनको ये पता लग पाए कि कितना वो सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। और यदि उनका ये भी कहना है कि जो जनवरी 2022 विधानसभा चुनाव के चलते प्रशासन की ओर से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, मतदाता अपने मत की कीमत समझें और मत का सदुपयोग कैसे करें, इसी के मद्देनजर बेलमती चौहान राजकीय महाविद्यालय पोखरी में मतदाता जन जागरूकता अधिनियम के तहत एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि तहसीलदार गजा रेणु सैनी थी। वही तहसीलदार रेणु सैनी और महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर राम भरोसे ने छात्र छात्राओं को शिविर का महत्व समझाते हुए कहा कि अपनी वोट की कीमत पहचाननी बहुत जरूरी है। इस मौके पर तहसीलदार रेणु सैनी ने छात्र छात्राओं सहित तमाम उपस्थिति को मतदाता जागरूकता के लिए प्रति दृढ़ संकल्प होने को शपथ भी दिलाई। मतदाता जागरूकता अभियान और मतदाता सूची में नए वोटर्स को ऐड कराने के लिए आज हम बेलमती चौहान राजकीय महाविद्यालय पोखरी में आए हुए हैं। इसमें हमारी टीम के मेंबर्स हैं जो हमारे सुपरवाइजर्स भी हैं और हमारे कानूनगो साहब हैं। यहाँ हमने बच्चों को, जो बच्चे अभी तक मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हुए हैं, उनको एज ए वोटर जोड़ने के लिए पिथौरागढ़ के डीडीहाट विकास खंड सभागार में किसान कल्याण योजना के तहत कार्यक्रम हुआ। आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के तहत शून्य ब्याज दर पर जिला सहकारी बैंक ने कई जानकारी दी। आज विकास खंड कार्यालय में मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख बबीता चुफाल की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्लॉक प्रमुख ने सरकार की तरफ से चलाई जा रही इस योजना के बारे में किसानों को बताया और उन्होंने कहा कि इस योजना के गरीब किसानों को बहुत लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। ब्लॉक प्रमुख बबीता चुफाल ने बताया कि 24 से अधिक गांवों के 30 पात्रों को 21 लाख से अधिक धनराशि के चेक वितरित किए गए। दीनदयाल उपाध्याय किसान योजना के अंतर्गत आज कोऑपरेटिव बैंक और समितियों से किसान भाइयों को ऋण वितरण कार्यक्रम किया गया। डीडीहाट विकास खंड में ये कार्यक्रम किया गया था और इसमें 30 लोगों को ऋण दिया गया बिना ब्याज के, शून्य ब्याज दर पर ये ऋण दिया जा रहा है। मैं सभी किसान भाइयों से रुड़की नगर निगम की ओर से बनाए गए वेंडिंग जोन को लेकर लघु व्यापारियों ने विरोध किया है। व्यापारियों का आरोप था कि निगम की तरफ से वेंडिंग जोन के स्टॉल का अधिक धनराशि तय करने की बात सामने आई थी, जबकि वहीं स्टॉल और भी सस्ता हो सकता है। इस बात को लेकर व्यापारियों और कुछ पार्षद वेंडिंग जोन कमेटी का विरोध कर रहे थे और कमीशन खाने का आरोप भी अधिकारियों पर लगा रहे थे, जिसको लेकर कई बार निगम में हंगामा भी हो चुका है। अब निगम ने इसका समाधान तलाश किया है। निगम अधिकारियों की ओर से व्यापारियों को सस्ता स्टॉल और वेंडिंग जोन बनाए जाने की बात भी कही जा रही है। स्पष्ट कर दूं कि वेंडिंग जोन का विरोध नहीं किया लोगों ने, वेंडिंग कार्ट को लेकर के उनका था कहना था कि कार्ट महंगा है थोड़ा सा और हम इसको कार्ट को अगर हमें सस्ते में कहीं से मिल जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस संबंध में तो हम भी सहमत हैं कि भाई कार्ट वेंडर को, क्योंकि इसका पेमेंट देना है तो वो सस्ता होना चाहिए और जो मानक है उसके अनुरूप होना चाहिए। तो वो मानक उनको उपलब्ध करा दिए गए हैं, उसके अनुसार वो कार्ट कितनी कॉस्ट में। सितारगंज उत्तराखंड की लोक गायिका प्रियंका मेहर को नृतका कहने पर कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता सुरेश गंगवार का चौराहे पर पुतला दहन किया। सुरेश गंगवार की तरफ से उत्तराखंड की मशहूर सिंगर प्रियंका मेहर को नृत्य की कहने पर पर्वतीय समाज और एबीपी
कार्यकर्ता ने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय समाज की बहनों का अपमान किया है, हम ऐसे लोगों का बहिष्कार करते हैं। ऐसी मानसिकता रखने वालों का सभी उत्तराखंड के पर्वतीय युवा भाई बहन से निवेदन, इसके खिलाफ आवाज उठाएं। सुरेश गंगवार जी का बदला फूका है क्योंकि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में हमारे उत्तराखंड की लोक गायिका है प्रियंका मेहर जी, उनके लिए नृत्य का शब्द का प्रयोग किया है। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि हमने 13 तारीख को मैराथन कराई थी जिसमें प्रदेश भर के सभी धावकों ने हिस्सा लिया था। उन धावकों का उत्साहवर्धन करने के लिए, उनका प्रोत्साहन के लिए हमने प्रियंका मेहर जी को आमंत्रित किया था। उन्होंने अपने सुरों के माध्यम से, अपने गानों के माध्यम से उनका उत्साहवर्धन किया, उनको प्रोत्साहित किया, जिनके आवाज में एक हमारे नेता हैं सुरेश गंगवार जी, उन्होंने उन्हें नृत्यिका कहा, जो बहुत निंदनीय है। हम सब लोग जानते हैं कि नृत्यिका और गायिका में कितना अंतर है, और उनके कहने के लहजे से भी साफ पता चलता है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड ने जिस परिवार को इतना मान सम्मान दिया, वहाँ के कलाकारों को और उन कलाकारों को जिन कलाकारों ने उत्तराखंड की सभ्यता को, संस्कृति को, उत्तराखंड की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बेशक प्रयास कर रहे हैं, आगे प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ये शब्द। आम आदमी पार्टी 3 दिवसीय किसान संकल्प यात्रा के अंतिम दिन सितारगंज पहुंची। संकल्प यात्रा में मौजूद पंजाब के संगरूर से सांसद भगवंत सिंह मान का सितारगंज पहुंचने पर आम आदमी पार्टी सितारगंज विधानसभा प्रभारी अजय जायसवाल समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद भगवत मान के सितारगंज पहुंचने के बाद सितारगंज नगर के बिजटी चौराहे से किसान संकल्प यात्रा को प्रारंभ किया गया, जिसे नगर मुख्य मार्गो से होते हुए शक्ति फार्म के लिए रवाना हुई। किसान संकल्प यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा जोश और उत्साह भी नजर आया। 3 दिन की यात्रा थी, आज उसका आखिरी दिन है सितारगंज में, और जिस किस्म का जोश उत्साह लोगों में दिख रहा है, उत्तराखंड के लोगों में, लोग बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों से बुरी तरह से उकता चुके हैं, उनसे निजात पाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की विकास की पारदर्शिता की राजनीति को वो अपनाना चाहते हैं, और दिल्ली का मॉडल जो उनको। दिवाली और इगास पर्वों को मनाने के बाद विकास खंड नरेंद्र नगर की पट्टी क्वीली के बमड़ गांव में ढोल दमाऊ की थाप के साथ भव्य पांडव नृत्य का आयोजन किया गया। 9 दिनों तक रात्रि को चलने वाले पांडव नृत्य का आयोजन 11 गांव के सामूहिक प्रयासों के बवड़ गांव में सदियों से होता चला आ रहा है। साथ ही पांडव नृत्य के इस भव्य आयोजन में बवड़ गांव, थन्यूल, खुड़कीधर और बाकी अन्य गांव में भी इसका आयोजन किया गया, जो इसे सामूहिक रूप से आयोजन किया गया। बता दें कि लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे थे और पांडव नृत्य को देखने के लिए भी कई लोग इसमें शामिल हुए। निवेदन है कि अपने इस इष्ट के यज्ञ में शामिल हों, जो हमारे प्रवासी बंधु हैं वो भी अपने इष्ट के यज्ञ में शामिल हों, संस्कृति को भी बचाएं और अपना गांव घर में भी खुशहाली आएगी, क्योंकि जब हम लोग घर आएंगे, जो लोग गांव छोड़ के चले गए हैं, अपने इन यज्ञों में शामिल होना आप सबके लिए शुक्र होगा। घंटा चक्राता वन प्रभाग रिजर्व रेंज डाक पत्थर वन तस्करों पर लगाम लगाने के लिए सदा हर पल मुस्तैद रहता है। आज डाक पत्थर वन क्षेत्र अधिकारी रिजर्व रेंज गंभीर सिंह धमानंदा और उप वन क्षेत्र अधिकारी यशपाल सिंह के नेतृत्व में टीम ने मुखबिर की तरफ से दी गई सूचना पर कार्रवाई की। वन टीम ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को जब्त कर लिया। इससे पहले वन टीम को देखकर तस्कर मौके से गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए थे। डाक पत्थर वन क्षेत्र अधिकारी रिजर्व रेंज ने कहा कि वाहन को लकड़ी सहित जब्त कर लिया गया है, वन अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ लकड़ी तस्कर एक पिकअप में लकड़ी लेके आ रहे हैं। मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर मैंने 2 टीम बनाई, एक टीम हमारी लखवाड़ बैंड की तरफ गई, एक टीम नौरोपुल की तरफ गई। दोनों टीमों को सफलता लखवाड़ बैंड पे मिली। इन्होंने हमें दूर से आते हुए देखा और गाड़ी से उतर कर भागे। हमने इनका पीछे किया पर घनी झाड़ी होने के कारण, अंधेरे होने के कारण उनमें गायब हो गए। अपराधियों की छानबीन की जा रही है, अपराधी कौन है पता लग।
गढ़वाल में कमलेश्वर मंदिर के महंत आशुतोष पुरी ने दीपक जलाकर खड़ा किया दिया अनुष्ठान का शुभारंभ किया। इस दौरान महिलाओं के कमर में एक कपड़े के में जुड़वा नींबू श्रीफल पंचमेवा एवं चावल की पोटली बांधी गई, जिसके बाद महंत ने सभी दंपतियों के हाथ में दीपक रखते हुए पूजा अर्चना की। ये सभी दंपत्ति रात भर हाथ में जलते दीपक लेकर भगवान शिव की पूजा करेंगे और सुबह स्नान के बाद महंत दंपतियों को आशीर्वाद देकर पूजा संपन्न करेंगे। ऐसा माना जाता है कि खड़ा दिया अनुष्ठान करने से संतान की प्राप्ति होती है। आज कार्तिक शुक्ला चतुर्थी के दिन जो है यहाँ मान्यता है कि आज के दिन जो खड़ा दीपक का व्रत करता है उसको संतान प्राप्ति की होती है यहाँ पे। तो जो है ये कथा एक पौराणिक कथा है जो इसमें देवासुर संग्राम के समय में जब देवताओं की हार होने लगे तो सारे जो है भगवान विष्णु जी की शरण में करके हमारी रक्षा करो। भगवान विष्णु जी ने बोला पहले शंकर भगवान का पूजन करता हूँ तब जाके हर कार्य सिद्ध होता है। तो भगवान शिव के सहत नाम होते सहत कमल के पुष्प लिए और तो यहाँ पे चढ़ाने लगे। ये भगवान शिव ने अपनी माया से फूल छुपा दिया। जब 999 पुष्प चढ़ गए फूल कम रह गए तो भगवान विष्णु जी ने बोला पूजा से उठूंगा तो पूजा खंडित हो जाएगी, मेरी अधूरी छूट जाएगी। मेरे नेत्र कमल नेत्र बोलते हैं अपने एक नेत्र का संकल्प कर लिया और सहस्त्र फूल पूरे हुए और उन्हें सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई। यही वह स्थान है जहाँ भगवान विष्णु जी को सुदर्शन चक्र मिला। और यह पूजा जो है कि संतान दंपत्ति भी देख रहे थे तो उन्होंने भी जो है अपने लिए संतान की कामना करी। तो भगवान शिव ने कहा जो यहाँ पर आज की रात खड़ा दीपक का व्रत करेगा मैं उसको जो है संतान। सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय की 27वें वर्षोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित क्राफ्ट मेकिंग, रंगोली मेकिंग और फोटो प्रदर्शनी का जायजा लेकर छात्रों द्वारा बनाई कृतियों का प्रशंसा करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया, साथ ही उनको पुरस्कार और प्रमाण पत्र भी वितरित किए। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।